السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله ناظرين الكرام آپ سب کا خير مقدم ہے نبي آف سلفية کے جانب سے ہمارے اس کورس میں حسن المسلم اور دعائیں گفتگو جاری ہے ناظرین درس میں ہم نے الحمد لله अजकार और दुआओं से मुतल एक मुख्तर रिसाला जिसे रद्दाद रही ने लिखा है जिसमें उन्होंने कीमती कवायद दस कवायद को जमा किया है अजकार और दुआओं से मुतल पाँच कवायद को हमने जाना और इसी तरह नाजीन सुबह शाम के अजकार को हमने तफसील के साथ जाना और उसके माने मफूम को भी समझने की कोशिश की इन आज के इस दस में नाजीन गुफ्तु की शुरुआत करते हैं शेख खालिद मकासिम और रही ने जो अदिया और अजकार दुआएं और अजकार से मुतक़ जो उनका रिसाल है उसमें से जो कवायद हमारे बाकी उस कवायद को हम जान लेते हैं छठा कायदा है जो रही ने बयान किया है वो ये है कुल्लु मुन्नाहदी तबूदी का ज़िक्र बदाद माल समन फ़क्त असिम शेख ने कहा है कि कोई भी आदमी को नई दुआ या नया ज़िक्र ईजाद करता है तो वह गुनहगार होगा चार नाहियों से चार तरीक़ों से उसे, उसे गुना होगा एक के उसने जो मशरू साबित शुदा जिक्र है उसे छोड़ दिया कोई आदमी गलत जिक्र शुरू करता है नाजरीन तो उसने जो सही जिक्र है उसे छोड़ दिया ये गुना उसे यह होगा दूसरा गुना होगा शेख कहते हैं ये इसरा कल शर ये अल्लाह तला पर इसराक है इसरा का मतलब कोई आदमी जो हमसे पहले चला गया कोई चीज़ उसने लिखी उसमें जो कमी रह गई बाद में आने वाला उसे पुर करता है उसे सही करता है उसकी ग़लतियों को दुरुस्त करता है इसे इसतराक कहा जाता है जो आदमी नया ज़िक्र और नई दुआएं बनाता है ग़रीबी दूर होने के लिए बरकत के लाने के लिए रिश्ते होने के लिए औलाद होने के लिए जो दीन में है ही नहीं उसे बनाता है उसने अल्लाह पर इस्तरा किया जो कि बहुत बड़ा गुनाह है इसलिए कि अल्लाह तला के शरीयत में कोई कमी नहीं रह गई है कि हमें बाद में आके पूरा करना पड़े और अल्लाह सुबहाना तल जो शरीत का बनाने वाला है वो आलिमीम है हर चीज़ वो जानता है और हर हर तरह की हकमत उसी से है और वही हमत वाला है लिहाजा ये इस द्रा के शरीय इसीलिए बालफ़ के हवाले से है अल्काम रही है उनसे किसी ने कहा कि अगर कोई आदमी तशहद में असलम आलक नबी वरम बरकात उसके साथ बरकतु के साथ मगफ़रतु का इजाफ़ा कर लेता है तो क्या ये सही है तो शेख खालिद तो इकरमा रही ने जो कि हदरत अब्दुल्लाबिनुन के शागिद हैंकम रही ने कहा कि यह जायज़ नहीं है कि कोई आदमी तशःद में असलम आलिकनबी वरम वर्का के साथ मग़रतू का लफ्ज़ जोड़े ये सही नहीं है क्योंकि अलकाम रही कहते हैं कि जो इसने ऐसा किया जिसने भी ऐसा किया सुन्नत की मुखालफत की क्योंकि शरीयत पूरी है तशद क्या पढ़ना चाहिए उसे बता दिया गया अब हम तशः को उसकी दुआ को आगे पीछे उसमें तब्दीली नहीं कर सकते हसफ व इजाफा नहीं कर सकते कमी बेशी नहीं कर सकते तो दूसरा गुना जो नया ज़िक्र बनाते हैं घटते हैं विदातेजाद करते हैं उन्हें यह है कि उन्होंने अल्लाह ताला पर पकड़ करने की कोशिश की और नौजुबिल्ला गोया कि उनका यह दावा है कि शरीयत में कमी रह गई हम उसे पूरा कर रहे हैं तीसरा गुना यह है कि उन्होंने उस चीज़ को बेहतर कह दिया मुस्तहब कह दिया जो शरीयत में नहीं है जिसे अल्लाह ने बेहतर और मुस्तहब नहीं कहा नाजरीन आप मस्जिद में दाखिल होते हैं दो आप पढ़ के बैठते हैं और आप इसे सुन्नत समझते हैं मुस्तहब समझते हैं क्यों क्योंकि इसकी दलील है कोई आदमी मस्जिद में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद वो जमा से ज़हर से पहले चार रकात पढ़ता है ये दुरुस्त है सुन्नत है मुस्तहब है जहर से पहले की चार रकात वो पढ़ता है क्योंकि शरीयत में इसकी दलील है लेकिन जो नए अजकार और इबादतों को ईजाद करता है दुआओं को ईजाद करता है उसे तीसरे ना ही से गुनाह ये मिलेगा कि उसने ऐसी चीज़ जो दिन में है ही नहीं उसे बेहतर करार दे दिया अब वो सामने वाले को जब कहता है कि अगर आपको ये चाहिए तो आप ये कर लो तो गोया कि वो ये कहना चाहता है कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा ये कहाँ से उसे मालूम हुआ तो ये दीन में ऐसी चीज़ को बेहतर कहना है जो बेहतर नहीं है जो शरीयत में मजकूर रही है इसीलिए शेख शेख राहीम्ला कहते हैं कि अजकार के बाब में तजर्बा कभी दलील नहीं है और शरीयत में तजर्बा कभी दलील नहीं कोई आदमी गया और उसने फ़ला जगह पर जाकर के कि कुछ किया तो उसका ये काम पूरा हो गया तजर्बे से कोई चीज़ साबित नहीं होती है इंसान का तजर्बा दलील नहीं है अल्लाह सुबहान तला का दीन किताब ये दलील हैं तजर्बा दलील नहीं है अल्लाह ने जो मुक़दर में लिखा है वो होता है जब आपको शिफा मिलनी है शिफा आपको मिलती है जब औलाद होनी है औलाद होती है नफा होना है नफ़ा होता है उससे पहले आपने कोई गलत काम कर लिया और आप गलत काम करने के बाद कहें कि देखो ये मिल गया ये हो गया जबकि अल्लाह ने पहले से उसे तय कर रखा है तजर्बे से कोई चीज़ साबित नहीं होती है लिहाजा जो नए अजकार और दुआओं को ईजाद करता है उसने इस नाही से भी गुनाह मोल लिया कि उसने ऐसी चीज़ को बेहतर कहा मस्तब कहा जो बेहतर और मस्तहब नहीं है और चौथा नाहिया जिसकी वजह से एक इंसान नया जिक्र नई दुआएं ई ईजाद करके गुनाह में पड़ जाता है वो है कि वो लोगों को धोखा देता है ये गुमान पैदा करता है उन्हें कि जो मैं बता रहा हूँ ये भी अल्लाह ताला का ज़िक्र ही है ये भी शरीयत ही है अब सामने वाले को नाजरीन नाजीन इल्म नहीं है अब वो किसी आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि अगर आप परेशान हैं बीमारी से तो आप ये कर लीजिए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी आप ये पढ़िए आप बेहतर हो जाएंगे तो सामने वाले को ये लगता है कि ये जो शख़्स कह रहा है वो शरीयत के मुताबिक है लिहाजा ये धोखा देने और वहम में मुब्तला करने का भी गुनाह उसको होगा तो चार चार ही से गुना है नाजरीन एक जो नया ज़िक्र ईजाद करता है उसने साबित शुदा चीज़ों को जो किताब सुन्नत में हैं उन्हें छोड़ दिया दूसरा ये कि उसने अल्लाह सुबहान ऊपर इसरा करने की कोशिश की रोहतुबिल्ला नंबर तीन उसने दीन में ऐसी चीज़ को बेहतर कह दिया जो बेहतर नहीं कही गई है और चौथी चीज़ ये कि उसने लोगों को वहम में मुब्तला कर दिया कि ये भी दीन का हिस्सा है तो छठा कायदा है नाज़रीन इकराम जो अभी हमने सुना वो ये है कि जो भी नया ज़िक्र नई दुआ ईजाद करते हैं वो गुनहगार हैं और गुनाह भी मामूली गुनाह नहीं चार चारना से ऐसे लोगों को गुनाह मिलता है कायदा है नाज़रीन शेख रही कहते हैं अजकार और दुआओं के बारे में क्या आपको अगर ये जानना है कि ये बिदात है या नहीं है उसकी पहचान करने का आसान तरीक़ा ये है कि कोई भी इबादत जिसका तकाज़ा सहाबा के ज़माने में भी मौजूद हो और उन्हें कोई रुकावट भी नहीं है फिर भी उन्होंने वह काम अगर नहीं किया तो इबादत नहीं हो सकती मिसाल के तौर तो पर क़राम इक्राम रफुल्दैन दुआ करना हाथ उठा करके हर फर्ज़ नमाज के बाद सवाल यही कि क्या सहाबा को यह पसंद नहीं था कि उनकी दुआएं कबूल की जाएं? अगर पसंद था ख्वाहिश थी उन्हें भी तो क्यों उन्होंने हर नमाज के बाद हाथ उठा करके दुआ नहीं किया तो नाजिन पता चलता है कि जब उन्हें इसकी ख़्वाहिश थी और बिलाशुबह हमसे ज़्यादा ख्वाहिश थी उन्होंने कोई हाथ उठा करके हर नमाज के बाद नहीं किया इसका मतलब ये है कि ये दीन का हिस्सा नहीं है कोई आदमी ये कहता है कि आप शुर यासीन पढ़ो फ़कीर आपकी दूर हो जाएगी आप मगरिब के बाद इसे पढ़ो क्या सहाब इकराम नहीं चाहते थे परेशानियां ख़त्म हों कम हों मुसलमानों की क्या सहाबा ने ऐसे ही किया नहीं किया नाजिन क़ायदा ये है कि कोई भी चीज़ जिसकी ख्वाहिश जिसका जिसकी तलब साहबा को हो नबी वसल्लम को हो फिर भी उन्होंने अपने ज़मानों में उस पर अमल नहीं किया कोई रुकावट मजबूरी उनकी नहीं थी फिर भी नहीं किया इसका मतलब वो दीन ही नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया है इसीलिए साहब कराम ने एक दूसरे पर इनकार भी किया आप सोचिए आपने सुना पहले दरस में अब्दुल्ल्बिन मसूद रजी अल्लाह तैन जब मस्जिद में गए लोग हल्का और ग्रुप बना कर के अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तो अब्दुल्लबिन मसूद रजियल्ला ने उसे बिदात करार दिया और उन्होंने कहा कि सहाबा मौजूद हैं तुम फिर भी ये काम कर रहे हो क्या मतलब है सहाबा को भी जिक्र करने की बड़ी ख़्वाहिश अल्लाह की वो सबसे ज़्यादा अल्लाह का तकरब चाहते हैं और कोई मजबूरी भी नहीं थी उनकी फिर भी उन्होंने ग्रुप बना करके, के ग्रोह की शक्ल में एक आवाज़ में कंकरियों पर अल्लाह का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने नहीं किया इसका मतलब वो दीन नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं किया वरना वो दीनी कामों में पीछे नहीं रहते अगर वो सवाब और इबादत है तो जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की अल्लाह के लिए वो कभी इस काम से पीछे नहीं रह जाते उनका पीछे उनका उस अमल को ना करना ये बताता है कि ये दीन ही नहीं है इसलिए उन्होंने ये काम नहीं किया इसे नाजरीन कोई भी ज़िक्र आप सुनते हैं कोई भी दुआ आप सुनते हैं इसे नाजन आप जानते हैं घरों में खत्ते लगाए जाते हैं घरों के अंदर ख़त्ों का अहतमाम मुसलमान करते हैं उसमें कुरानी आयात हैं उसमें नजरबद की दुआ है और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं और वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने घरों में इसे लगा लेते हैं तो घर में ख़ैर बरकत होगी और घर में तंगी फ़कर फाका परेशानियां परेशानियाँ नहीं होंगी अब सवाल ये है नाजरीन क्या सहबा इकराम को यह पसंद नहीं था कि घरों में बरकत ख़त्म ना हो जाए क्या सहाबाक इकराम को यह ख्वाहिश नहीं थी कि उनके घरों में अल्लाह की बरकत का नज़ूल हो क्या उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनके घरों से परेशानियों का ख़ात्मा हो जब उन्हें ये चीज़ें पसंद थी ख्वाहिश थी इसके बावजूद उन्होंने ख़त्े बना करके अपने घरों में नहीं लगाए इसका मतलब ये कि ये दीन का हिस्सा नहीं है अगर लिख कर के लगाने से अल्लाह ताला खुश होता है बरकतें देता है परेशानियां नहीं होने देता तो सहाबा ज़रूर भी ज़रूर इस पर अमल कर लेते सहाबा का अमल ना करना ये बताता है कि ख़त् घरों में लगाना ये शरीय का हिस्सा नहीं है ना हदीस में ये मजकूर है ना ये अरसूस का अमल है ना सहाबा और सलफ़ का अमल है और ये जो लिख करके कुछ लोग कहते हैं कि हम इसके ज़रिए से अल्लाह ताला को याद करेंगे अल्लाह ताला को याद करने का ये तरीक़ा है नाजरन किताब सुन्नत में कि हम चीज़ों को दीवारों पर लटका दें याद करने का यह मशहूर तरीक़ा नहीं है कि आप उसे दीवारों पर लटका दें बल्कि मशरू तरीक़ा ये है कि आप उसका अहतमाम करें हाँ यकीन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई चीज़ याद करवाने के लिए कहीं लिखी जाती है पढ़ाई जाती है कोई हर्ज नहीं लेकिन उसे लटका करके समझना कि ये लटकाना भी हमारे लिए कार खैर और सवाब है और इसे इसके ज़रिए से हम दीन की खिदमत कर रहे हैं अमल साल कर रहे हैं तो नाजरीन यह नबी नबी अक्रमल् और सहाबा का तरीक़ा नहीं है इसलिए कि उस ज़माने में भी सहाबा को इसकी ख्वाहिश थी कि उनके घरों में बरकतों का नज़ूल हो अल्लाह राज़ी हो इसके बाद भी उन्होंने काम नहीं किया अगर ये दीन होता तो ज़रूर भी ज़रूर वो भी कुरान को लिख करके और नज़रबद की दुआओं को और दीगर चीज़ों को लिख करके दीवारों पर लटकाते टंगाते जब उन्होंने नहीं किया इसका मतलब ये इबादत नहीं, नहीं, नहीं है तो शेख रही ने सातवां कायदा ये बयान किया कि हर वो अमल जो सहबा कराम को जिसकी ख्वाहिश थी जो वो चाहते थे इसके बावजूद भी उन्होंने उस पर अमल नहीं किया उस तरीक़े पर जो जैसे हम अमल कर रहे हैं इसका मतलब ये कि सहाबा ने जान बूझ करके उस पर अमल नहीं किया क्योंकि वो दीन का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता है ये सातवां कायदा है नाजर इक्राम आठवां कायदा है नाजर इक्राम कि कोई आदमी अल्लाह सुबहान दुआ करना चाहता है अल्लाह ताली का जिक्र करना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज़ मस्तहब है क्या चीज़ बेहतर है यह तय करने के लिए दलील होना चाहिए कोई याद सुबह शाम के असगार पढ़ना है उसे पढ़ना चाहिए उसकी फजीलतें सुबहानल्ला बहमदही का ये अजर है और ला पढ़ने का यह आज़्र है ला इला क़दीर पढ़ने का ये आज़र है जो साबित दुआएँ हैं यह दुआओं को हम अहतमाम से मांगते हैं अल्लाह ताली से उसके लिए कोई ख़ास तरीक़ा कि इस तरीक़े पर हम ये करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इसकी दलील होना चाहिए नास्रीन शेख रही कहते हैं ला उसबुल दी इसकबी दुआ इल्ला मा युसल्ली इमूसली लफ्ज़ास्तबा भी होना ही अल्किबलादिल्म शेख रही कहते हैं मकसूद ये है कि कोई आदमी ख़ास तरीक़ा बताता है आपको कोई कहता है कि आप सुबह के अज़कार पढ़ रहे हो फ़जर के बाद तो एक काम करो फजर के अज़कार खड़े होकर के पढ़ो या कोई ये कहता है कि फ़जर के अज़कार पढ़ो सूरज के तुलू होने के बाद कि उससे पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम आठ मरतबा ये सूरत पढ़ो फिर हम कोई ख़ास शकल बताते हैं आप सुबह शाम के असकार पढ़ने के लिए किबला का किबला की तरफ मुँह करो आप जानते हैं नाजरीन सुबह शाम के असकार के लिए किबला रुख होना ऐसी कोई शर्त नहीं है असगार के लिए हमें किबले की तरफ मुँह करना ऐसी कोई शर्त नहीं है लेकिन कोई आपको बताता है कि नहीं आपबले की तरफ़ करिए आपको ज़्यादा नकियाँ मिल जाएंगी तो इसकी दलील होना चाहिए कि आप ज़िक्र या दुआ जो किताब सन्नत में हैं उसका कोई ख़ास तरीक़ा बता रहे हैं ख़ास शक्ल आप बताते हैं ख़ास फजीलत आप बताते हैं उसकी दलील होना ज़रूरी है नाजिन इकराम ये आठवां कायदा है नौवां कायदा है नाजिर इकराम कि क्या बेहतर है अजगार और दुआ में आहिस्ता कहना बेहतर है या ज़ोर से कहना बेहतर है तो शेख रही कहते हैं असरार होसनूफ़िक्री वुआ शेख रहीम अल्लाह कहते हैं असल ये है शरीत में कि दुआ भी और ज़िक्र भी आहिस्ता होना चाहिए अल्ला सुबहान तआला कहता है सूरह आराफ आयत नंबर फ़िफ्टी फाइव में रब्बकुम तदर व ख़ुफिया इन हब्बलमदी अल्लाह तआला को आहिस्ा गिरिया जारी के साथ पुकारो बेशक वो हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता है असल यही है कि दुआ हम करें या जिक्र हम करें तो हम आहिस्ता ही करें लेकिन बाज़ बाज़गें ऐसी हैं जहाँ पर ज़ोर के साथ अजकार और दुआएं साबित हैं उन जगहों को अब छोड़ दें अजान अल्लाह का ज़िक्र है पांच वक्त किया जाता है ये बा आवाज़ बुलंद है नाजरीन इकामत कही जाती है मस्जिद में ये बा आवाज़ बुलंद है नाजरीन ख़ुदब जुमा दिया जाता है बा आवाज़ बुलंद है नाज्रीन अराम लेकिन कोई आदमी ये कहता है कि मैं सुबह शाम के अजकार ज़ोर ज़ोर से बा आवाज़ चीख करके कहूँगा इसकी कोई असल और दलील नहीं है तो जहाँ आम तौर पर शरीयत की बात आती है वहाँ जिक्र भी करना है दुआ भी करना है तो आहिस्ता करना है आहिस्ता से क्या मुराद है नाजर कम अज़ कम ये कि हमारी ज़बान हरकत में हो और हमारा दिल हाज़िर हो और वो हमें अपने आप को सुनाई दे कुछ लोग हैं नाजरीन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उनके होंठ बंद है ज़बान भी उनकी बंद है और वो कहते हैं अल्लाह का जिक्र है तो हमने जाना था ये सिर्फ़ दिल से ज़िक्र है और अहलिल ने कहा कि ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए बेहतर है ज़्यादा बेहतर है जो माजूर हैं जिनकी ज़बान हरकत नहीं करती उनके लिए है वो वरना जो ज़बान वाले हैं उन्हें चाहिए कि वो जबान भी इस्तेमाल करें होंठ भी इस्तेमाल करें दिल भी इस्तेमाल करें तो असल यही है कि आहिस्ता और जो लोग कुरान की तिलावत करते नाजरीन वो क़ुरान को देखते हैं सिर्फ़ और अपनी ज़बान से हरकत नहीं करते अहिल के कौल के अहलेम के बकौल उन्हें आजर नहीं मिलता है एक हरफ दस नकियाँ उनको नहीं मिलती हैं क्योंकि दस निकियाँ उनको मिलती हैं जो कुरान पढ़ता है और पढ़ना उसे कहते हैं कि आदमी की होंद और जबान हरकत करे जिसके होंद और ज़बान हरकत नहीं कर रहे वो पढ़ नहीं रहा है देख रहा है या गौर कर रहा है देखना या गौर करना एक और चीज़ हो सकती है लेकिन एक हर फसने की या पढ़ने पर हैं तो ज़िक्र या दुआ जिसे हम कहते हैं उसके लिए कम अज़ कम ये नाजरी कि होठों की हरकत हो जबान की हरकत हो हमारा दिल हाज़िर हो और जहाँ शरीयत ने मशरू किया है और वो बहुत कम जगह है जहाँ पर बहुत आवाज़ या से बुलंद हमें कहना होता है जैसे हज में अभी हाजी हैं उन्हें अल्लाह का जिक्र करना है तलबिया लेकिन आहिस्ता नहीं करना है ब आवाज़ बुलंद उन्हें तलबिया कहना है अभी हम अशरजुल्हजा में हैं नाजरिन इकराम उन दस दिनों में सबसे बेहतरीन दिन है दुनिया के इनमें अल्लाह का जिक्र तकबर ब आवाज़ बुलंद करना है इसीलिए हजरत अब्दुल्ला हिबन अबू हर रजील्तुमा इन दिनों में बाजार चले जाते और बहुत आवाज़ बुलंद करके अल्लाह का जिक्र करते तकबेरत पुकारते थे तो जहाँ पर बा आवाज़ बुलंद है वहाँ पर बा आवाज़ बुलंद हमें करना है बक़िया जगहों पर अमूमी तौर पर नाजिन कराम हमें आहिस्ता आहिस्तगी के साथ अल्लाह सुबहान तौ का ज़िक्र करना है तो नाजिन कराम ये नौवा कायदा था जो हमने जाना दसवाँ कायदा है नाजिन कराम जो शेख रहम्ला ने बयान किया है एक बहुत अहम क़ैदा है एक है अल्लाह ताला का ज़िक्र और एक है दुआ और एक है कुरानी मजीद की तिलावत अगर उसे अलग अलग कर लिया जाए वरना सारी इताात जिक्र ही है अल्लाह का उसे अलग अलग कर लिया जाए तो दुआ इसमें अल्लाह से मांगा जाता है ज़िक्र अल्लाह को याद किया जाता है और कुरान ताला की तिलावत अल्लाह सुबहान किताब को पढ़ा जाता है कौन सा अफजल है दसवं कायदा यह नाजरीन कि किरान मजीद की तिलावत अफजल है अल्लाह के ज़िक्र से अफज़ल है करातल कुरानी अफ़लोमिन जिक्री व दुआ ज़िक्र और अपने लिए दुआ करने से बेहतर कुरान की तिलावत है इसलिए कि बाजात हमें जानने की कोशिश करते हैं आपके पास वक्त है आधा घंटा एक घंटा आप आपके पास वक्त है अब आप, आप इबाद करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि सबसे बेहतर इबाद क्या हो सकती है क्या दुआ है या जिक्र है या कुरान की तिलावत है तो शेख ने कहा खालिद में कासिम और रद्द रही ने जो जाम इस्लाम के उसद रह चुके हैं उन्होंने कहा कि सबसे अफ़ल जिक्र है कि हम कुरान की तिलावत करें उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र फिर उसके बाद अपने लिए दुआ शेख अल्लाह कहते हैं आज़मज़ा मुतलक व ज़िक्र विक्रो अफदलो मेनत दुआ शेख अल्लाह कहते हैं कि ये बेहतर है लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ और मसाइल भी जिक्र किए हैं थोड़ा तवज्जो के साथ हमें इसे जान लेना चाहिए वो ये है शेख रही कहते हैं ज़िक्रमतल विक्र अफदलोम दुआ शेख़ कहते हैं जो जिक्र है ना जिक्र दो तरह का आता है एक है ज़िक्र जो जगहों के साथ और वक्त के साथ ख़ास है और एक ज़िक्र है मुतलक कभी भी आप कर सकते हैं तो ऐसे वक्त में अगर आपका टकराव हो जाए कि आपको उस वक्त या तो ज़िक्र करनी है या दुआ करना है तिलावत करना है तो उस वक्त आप उस जिक्र को मुकदम करें जैसे मिसाल से समझते हैं नाज़री कोई आदमी अज़ान को सुनता है उस वक्त जो जिक्र उसके लिए मशरू है वो है अज़ान का जवाब देना उस मौके पर अगर कोई कुरान की तिलावत कर रहा करता है और ये कहता है कि ये अफजल है तो हम कहेंगे नहीं इस वक्त अफजल ये है कि आप अजान का जवाब दें क्यूं? क्यों क्योंकि ये ज़िक्र ख़ास है इस वक्त के साथ और ये वक्त ख़त्म हो गया फिर इसके लिए इसके बाद ये इस जिक्र नहीं होता है जबकि कुरान की तिलावत उसका कोई वक्त तय नहीं है आप कभी भी कर सकते हैं आप दुआ कभी भी कर सकते हैं लेकिन ये जिक्र ख़ास है इसी वक्त हो सकता है यही मामला है नाजन कराम अगर कोई शख्स छींकता है छीन करके उसे अल्लाह का जिक्र कहना है और कहना है अलहमद अगर कोई अगर उस उस जगह पर कोई शख्स दुआ करता है या कुरान की तिलावत करता है हम कहेंगे नहीं आप छींकने वाले का जवाब दीजिए अगर हम अल्लाह कहिए क्योंकि ये जिक्र ख़ास है उस जगह के साथ अब ये जगह ख़त्म हो गई तो ये जिक्र भी आपको नहीं करना होता है लिहाजा इसे मुकदम करें और कुरान की तिलावत आप बाद में जारी रखें اور دعا بھی آپ جاری رکھیں لیکن اس عبادت کو في الوقت آپ انجام دیں یہ شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے مثال بھی الفراغ من الصلاة يشتغل بماذا يقرأ القرآن يقول الأذكار هنا مكانه مقيدة هذه الادعية المقید في الزمان او المكان او الحال انشغال بأولا وافضل نماز سے فارغ ہونے کے بعد مثال دی कि अगर कोई शख्स नमाज से फ़ारिग होता है फ़ारिग होने के फौरन बाद कुरान पढ़ना अफज़ल है या जिक्र करना अफज़ल है हमने तो क़ायदा जान लिया कि कुरान सबसे अफजल है उसके बाद जिक्र उसके बाद दुआ लेकिन कायदा हमेशा नहीं है अगर ये क़ायदा टकराता है ख़ास जगह पर जहाँ पर पहले से शरीयत ने अजकार रख दिए हैं तय कर दिया उन्हें उस जगह पर उन्हें पढ़ना अफजल है लिहाजा नमाज से फ़ारिग होने के बाद अज़कार जो सबित हैं आयतुलकरसी तैंतीस मरतबा सला तैतीस मरतबा अलहमद तेतीस मरतबा अल्ला अकबर ला वद शरी माक़द वगैरह वगैरह जो सबित है वो पढ़ना कुरान की तिलावत से बेहतर है ये शेख रही ने बयान किया है तो नाजिराम ये है दस्ायदे जो हमने आपके सामने बयान किए उसके बाद आइए नाजिराम असगार के तरफ हैसरमसिम में शेख रही ने नींद से मुतक़ असगार भी बयान किए हैं कि कोई आदमी सोने के लिए जाता है तो उसे किन अजकार का अहमाम कर लेना चाहिए जो उसके लिए मुफीद है सुनत रसूल है सुनत रसूल के साथ नाजन कराम यहाँ पर इस मसले की वजात करना चाहता हूँ कि कोई भी ज़िक्र या कोई भी दुआ जो किताब सुन्नत से साबित है जब आप उसका अहतमाम कर लेते हैं तो कितने नाइये से आपके लिए मुफ़ी होता है पहला ना ये है कि आपने अल्लाह उसके रसूल की तात की दूसरा नाइया ये है कि आपने अपने आप को महफूज कर लिया जिस शर से अल्लाह के आप पना चाहते हैं उससे नंबर तीन आपने इस सुन्नत को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तरीक़ा है उस तरीक़े को आपने इख्तियार किया और गुमराह राहों से आप बचे रहे नंबर चार जब आप इन अजगार और कामाम करते हैं अल्लाह सुबहाना मत आपको जिक्र करने वाले बंदों में शामिल कर लेता है और नंबर पाँच ये कि आप जब अल्लाह ताली का कसरत से जिक्र करते हैं और इन अदिया और अजगार का अहमाम करते हैं तो अल्लाह सुबहाना हूँ तप आपको इन सारे अजकार और अदिया पर जिन चीज़ों का वादा किया है अल्लाह ताला वो वादा भी अपना पूरा फरमाता है दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है रात को सोते हुए क्या सुन्नत है नाज्रीन सबसे पहले आप जाने नाज़रीन हमें क्या अहतमाम करना चाहिए तीन कुल तीन कुल से मुराद कुल होल्ल हद सूर हद सूर फलक कुलआउ और सुर नास कुलआउ रबनास ये सही बुखारी हदीस नंबर फाइव ज़ीरो वन सेवन सही मुस्लिम हदीस नंबर टू वन नाइन टू कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए बिस्तर पर जाते आप अपनी हथेलियों को जमा कर लेते और फिर आप सफ़ी हिमा फिर आप उनमें फूंक मारते और ऐसी फूंक जिनमें हल्की सी थूक भी हो हल्का सा थूक हो बहुत ज़्यादा नहीं नफस फ़रा उफ़ीमा फिर आप इन तीनों सूरतों को पढ़ते थे नाजरन इकराम इस मसले बाज़हन ने इख्लाफ किया है बाज ने कहा कि आप हाथ उठाएँ और तीन कुल पढ़ें उसके बाद आप उसमें फूक करके अपने जिसम पर फेर लें लेकिन इस हदीस में जो बुखारी की हदीस है मुस्लिम की हदीस है इसमें अल्फाज हैं यजमा का फ़ेही आपने अपने हथेलियों को आप जमा किया करते थे सफ़ी हीमा फिर आप पढ़ने से पहले उसमें फूक मारते थे ऐसी फूक जिनमें थोड़ा सा थूक भी हो फिर आप फ़्रफी आप ये पढ़ा करते थे तीन कुल आप पढ़ा करते थे उसके बाद क्या करते आप नबी अकरम अक्रम सयम सबीमा मस्त सदी फिर आप पढ़ने के बाद अपने जिस्म पर उसे फेर लेते जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता यब द उबीमा अला वसी आप सर से शुरू करते फिर आप अपने चेहरे पर फेरते वमा अकबाल मिनज सदी और आपके जिस्म का जो ज़ाहिर हिस्सा आपका हाथ जहाँ तक पहुँच पाता आप उसे फेरते तीन मरतबा आप ऐसा करते थे सोने से पहले तो नाजिन सुन्नत ये है कि आप अपने हथेलियों में दोनों को जोड़ करके पहले फूक मारें तीन कुल पड़े अपने जिसम पर ताक जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है आप फेर लें फिर आप हाथ जोड़ें फिर आप हाथ को मिला करके हाथ को उठा करके फिर आप तीन मरतबा फूक मारें और फिर आप उसमें आप उसमें फूक मारें और फिर आप उसमें तीन कुल को पढ़ें और फिर आप, और फिर आप अपने जिसम पर फेर लें इस तरह से आपको तीन मरतबा करना है नाजरन क्राम इसमें हकमत क्या है बाज़ अहलम ने कहा कि इसमें जो शख्स अल्लाह सुबहान मताल से पनाह मांगता है इन तीन चीज इन तीन सूरतों के ज़रिए से ये तीन सूरतें इंसान के लिए बड़ी मुहाफ़ और मददगार हैं अल्लाह अल्लान मताल की जानब से तो नाजरन कराम आपको हाथ जोड़ को मिला करके हथेलियों को मिला करके फूँक मारना है और फिर तीन मरतबा इन सूरतों को पढ़ करके अपने जिसम पर फिर लेना है यह पहला ज़िक्र है जो आपको अहतमाम से करना चाहिए उसके बाद आयतुल कुर्सी का अहतमाम करना चाहिए सही बुखारी में हदीस नंबर फै ज़ीरो वन सेवन आयतुलकरसी अल्लाहम लखसिनत उल नुमावत वमाफिल्ब मंदफ़ांद याबिन उमा खल्फ़म वलैत नबिशबालाबिमाशा वसीआकर वलोमअलीवीम शुरबरात नंबर टू फिफ्टी फ़ाइव इस अवीम सूरत को पढ़ लेना चाहिए नाजिन क्राम जो शख्स इसे पढ़ लेता है क्या फजीलत उसको हासिल होती है नाज्रन इस हवाले से बड़ा ही दिलचस्प वाक़ा है सही बुखारी के अंदर जो हदीस नंबर है सही बखारी हदीस नंबर टू थ्री डबल वन और वह हदीस नाजिन कराम कि हज़रत अबू हुरर रज़ील् तु रमज़ान में ज़क़ात की निगरानी कर रहे थे ज़क़ात का जो माल था अनाज था उसकी निगरानी कर रहे थे एक कोई आदमी आया और आकर के रात में अनाज को भरने लगा हज़रत अबू हुरर रज़ी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं रसूल वसलम को तुम्हारी शिकायत पहुँचाऊँगा तो उसने कहा कि मैं बड़ा महताज हूँ मेरे बीवी बच्चे हैं और मुझे बड़ी ज़रूरत थी शदीद इसलिए मैंने ऐसा किया तो अबू हुररा ने छोड़ दिया रज़ी अल्ला जब सुबह हुई रसूल वसलम ने फ़रमाया अबू हुररा से या अबा हुररा माफ़ आलास्यकल बिहा अब हर कल उस असिरर ने उस कैदी ने क्या किया तो हज़रत अबू हुररा ने कहा अल्लाह के रसूल उसने बड़ी शिकायत की कि वो महताज है तो मैंने रहम कर दिया और छोड़ दिया आपने कहा वो आज भी लौ, लौट कर के आएगा अबू हुरर कहते चूँकि रसूल ने कहा लौट कर के आएगा तो मैं इंतज़ार कर रहा था घाट लगा करके फिर वह आद आया वो शख्स और आ करके फिर वो अनाज को जमा करने लगा अबू रजी अल्लाह ने फिर पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हारा मामला रसूल तक ले जाऊँगा तो फिर उसने मन्नत समाजत की कि मैं बड़ा महताज हूँ मेरे बीवी बच्चे हैं मुझे शदीद हाजत है तो अबू हुरर रजी अल्लाह ने फिर छोड़ दिया सुबह जब हुई तो रसूल व्लम ने कहा अबू हुरर उसने रात में क्या किया उस कैदी ने रात में क्या किया कहा के रसूल यही शिकायत थी उसकी कि वो शदीद महताज है तो मैंने उस पर रहम करके छोड़ दिया आपने फरमाया दूसरी मरतबा कहने के बाद तीसरी बार का बारे में आपने पहले ही बताया अमा इन्ना क़ाबा का व सयाउद आपने कहा कि उसने झूठ बोला है आज फिर वह लौट करके आएगा फिर तीसरे दिन अबू हुर रजियाल्ला कहते हैं मैं इंतज़ार में रहा तो आता है और आ करके फिर अनाज को इकट्ठा करने लगता है चोरी करने लगता है तो हजरत अबू हर्रा ने पकड़ लिया और कहा कि मैं रसूस वसलम तक तुम्हारे मामले को पहुंचा दूंगा तीसरी मरतबा उसने जब ऐसा किया तो अबू हुररा रज़ील से उसने कहा दिनी व्मिमु का कलिमतला हूँ बिहा उसने कहा मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें कुछ कलीमात सिखाता हूँ अबू हुररा अगर तुम इसे पढ़ लोगे अल्लाह तुम्हें नफा देगा इजा अवैता इला से जब तुम अपनी बिस्तर पर चले जाओ फ़कर आयतलकरसी तो आयतुलकरसी पढ़ लो अल्लाम यायत पढ़ लो फ़ैन का अगर तुम अबू हरारा पढ़ लोगे तो बराबर अल्लाह की तरफ़ से एक निगरान तुम्हारे ऊपर मुकर रहेगा पूरी रात वालबन का शैतान हत्ता तुस्बह और सुबह होने तक कोई शैतान तुम्हारे क़रीब भी नहीं आएगा फ़ख सबीला तो मैंने उसे छोड़ दिया फिर जब सुबह हो गए नाजरीन तो उन्होंने रसूल वसलम से आकर के कहा रसूल ने उनसे काबू हर क्या किया उस कैदी ने कल रात कहा अल्लाह के रसूल उसने गुमान यह किया कि वो मुझे कुछ कलिमात सिखाएगा अल्लाह मुझे नफा देगा उन कलिमात से अबू हुरर रवी अल्लाह ने जब ये बात बताई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमा इन नदू कजूब आपने कहा अबू हुररा उसने सच कहा अगरचे कि वो बहुत बड़ा झूठा है लेकिन जो उसने बात कही कि इन कलीमत से कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता निगरानी करेगा और शैतान करीब नहीं आएगा ये बात उसने बिल्कुल सही कही और आपने कहा तालम मन तखा तिबू मंदल अबू हुरैरा क्या तुम जानते हो तीन दिन से तुम किससे बात कर रहे हो अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल मैं तो नहीं जानता आपने कहा दयाली का शैतान आपने कहा वो शैतान है वो शैतान था जिसे तुम तीन रोज़ से बात कर रहे थे नाजरीन इस दिलचस्प वाक़े से क्या पता चलता है कि शैतान भी जानता है कि जो आयतुल कुर्सी को रात में पढ़ करके सोता है सोने से पहले पढ़ ले दो चीज़ें उसको मिलती हैं अल्लाह के तरफ़ से निगरान मुकर होता है शैतान उसके करीब भी नहीं जाता है और जब अबू हुर्रा को उसने बात सिखाई तो रसूल वसलम ने उस बात की तस्दीक की और कहा कि उसने सच कहा तो नाजेन इकराम इससे पता चलता है कि ये हमारे लिए फजीलत की बात है और हमारे तरफ हमारे लिए अल्लाह की तरफ से निगरानी और हिफाज़त है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी का अहतमाम कर लेता है अल्लाह सुबहान तरफ़ से निगरान मुकर होता है उसके लिए शैतान उसके करीब नहीं जाता है लेकिन यहाँ पर रुक कर नाज़रीन एक बात हम जान लेते हैं इस हदीस को बुनियाद बनाकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि शैतान से भी इल्म ले लेना चाहिए सही बात वो कहता है तो उसे मान लेना चाहिए ये कह करके वो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी गुमराह हैं बिदाती हैं ख़ुराफी हैं उनके बयान भी सुन सकते हैं उनकी किताबें भी पढ़ सकते हैं जब अब हुरार रजील् शैतान से वह बात सुन ली थी तो हम अगर किसी गुमराह बिदातीबर परसूफ़ी भटके हुए किसी अखवानी शैत शरपसंद फसादीब के बयान को सुनते हैं तो क्या हरज की बात है अहिल कहते हैं पहली बात आप जान लीजिए कि शरीयत इस्लामिया में इसकी इजाज़त नहीं दी गई है कि कोई आदमी गुमराह आलिम दीन को सुने जो सुन्नत के रास्ते भट रास्ते से भटक गया हो उसके बयानात को सुनना जायज़ नहीं है ये कुरान की मुखालफत है अदिस की मुखालफत है नंबर दो सलफ़ सालिहीन का इस पर इत्तेफाक और इजमा है कि सलफ़ साल ने गमराह लोगों से दूर रहने के तलकिन की है उम्मत को सारे सहाबा तबिन तब तबयन आइम हुदा सारे शलफ़ का ये मौक़ था कि गुमराह लोगों से दूर रहा जाएगा उन्हें सुना नहीं जाएगा हती कि बाद सलफ़ के पास कोई आदमी आता बिदाती और आकर कहता कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ आपके ऊपर तो उसे भी नहीं सुनते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कोई गलत बात हमारे दिल में उतर जाए तो उनसे इल्म लेने की कोई हाजत हमारे नहीं है नाजरीन शलफ़ के मनहज के ख़िलाफ़ है नंबर तीन अबू हुर रजी अल्लाह उनके इस वाक़े पर गौर कीजिए कि अबू हुरर रजील्न इबली शैतान के पास इल्मिल करने के लिए नहीं गए थे अबू हुर रजी अल्लाह तो अपने काम में खिदमत में मामूर थे वो उनके पास आया था और उसने इस डर से कि रसूल के पास शिकायत चली जाएगी उसने अबू हुरर को ही सिखाया था अबू हुर रजी अल्लाह ने उसे हासिल नहीं किया है नंबर चार नजिन कराम अबू हुर रजी अल्लाह ने जब सुना कि इबली शैतान ने यह बात कही तो उन्होंने उस बात को सुनकर उस पर अमल नहीं किया बल्कि वो रसूल के पास आए और आकर के क्या अल्लाह के रसूल वो गुमान कर रहा है जो रात में मुझे मिला कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा आपने कहा उसने सच कहा रसूल ने जब सच कहा तब अबू हर रजी अल्लाह ने उसकी तस्दीक की अबू हर ने सुनने के बाद फ़ौर उसे कबूल नहीं किया हम नहीं जानते जो बिदाती और गुमराह अपने बयान पर जो बोल रहा है वो सही है गलत है वह हदीत सही है ज़ीफ़ है क्या यह बात कुरान मजीद का सही मतलब है नहीं है हमें उसका इम नहीं है अबू हराजल के पास रसूल थे जा कर के उन्होंने पूछ लिया कन्फर्म कर लिया लेकिन हमें कैसे मालूम होगा हमारे पास तो इल्म नहीं है वो लिहाजा उनकी गुमराह गुमराह लोगों के बयान को उनकी किताबों को उनके लेक्चरस को उनके आडियो वीडियो को सुनना उसे नशर करना उसकी तरफ़ दावत देना जायज़ नहीं है और अबू हरा रजा किस अमल से कोई उसकी दलील नहीं मिलती नंबर पाँच अल्लाह सुबहानी ने हमें बेनियाज कर दिया है हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम गुमराह लोगों के बयान को सुने क्या चीज़ है जो शरीय मतहरा में कम है कमी हो गई है कि हमें उन गुमराह लोगों के पास जा कर इल्म हासिल करना पड़े नाजरीन लिहाजा पाँच मैंने वजूहत बताई और वो बताया कि जो लोग अबू हर रजील्न के इस काम को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि शैतान से भी इल्म ले लिया था तो हम भी ले सकते हैं हर किसी को सुन सकते हैं हर जगह पर बयान में शरीक हो सकते हैं हर इज्त में हर इजलास में जाके बैठ सकते हैं ऐसे लोगों की गलती पाँच नाही से है और वो अपने उस अमल में अपने कौल में वो गलत हैं लिहाजा ना इस इस मसले की वजाहत करना मैंने अहम समझ अहम समझा लिहाजा हमें चाहिए कि हम सोने से कबल कुर्सी का भी अहतमाम करें इसकी तालीम हदीस में दी गई है उसके बाद नासिन इक्राम आइए सोने से कबल अहतमाम के साथ बकरा के आखिरी दो आयतों को भी पढ़ना चाहिए इसकी बड़ी फजीलत है सूर बकरा के आखिरी दो आयतें आमन वो आयतें क्या है नाजन करा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ अबीम आमनबीन आमलाबीन وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا अंत मऊलाना फ़नसर ना अलकौमिल काफी नाजन कराम ये रिवायत सही बुखारी की है हदीस नंबर फोर डबल जीरो ऐट सही मुसिम एट ज़ीरोट के जो सूर्य बकरा के आखिरी दो आयतें आयत नंबर टू फि एटी फाइव और टू एटी सिक्स पढ़ लेता हैज़रत अबू मसूद अकबा बिन अमर साबा रवी अल्लाहारी रवी अल्लाहते कि जो शख़्स सोने से पहले ये दो आख़िर की आयतें बकरा की पढ़ लेता है कफ़ता ये दो आयतें उसके लिए काफ़ी हैं क्या काफ़ी हैं किससे काफ़ी हैं अहले इम कहते हैं कि वो सारी रात आफतों से उसे महफूज रखने के लिए काफ़ी हैं ये दो आयतें आप पढ़ लेते हैं ये आपके लिए रात में काफ़ी हो जाएंगी बिस्मिल्लाह ती हर तरह से काफ़ी हो जाएंगी लिहाजा नाजरीन सोने से पहले इन दो आयतों का भी हमें अहतमाम करना चाहिए कि हम सोने से पहले इन दो आयतों को पढ़ करके सोएं उसके बाद नाजिन इकराम आइए एक, एक दुआ जिसे पढ़ सोने से पहले पढ़ना चाहिए जो साबित है वो दुआ है नाजरीन सही बुखारी हदीस नंबर सिक्स थ्री टू ज़ीरो से मुस्म टू सेवन वन फोर ये दुआ हजरत अबू हर रवि से साबित है रिवायत है नबी अक्रम सलीसम ने इसकी तालीम दी आपने इस हदीस में तालीम दी कि कोई आदमी अपने बिस्तर पर आता है लौट करके उसे चाहिए कि तीन मरतबा उसे झाड़ ले उसे साफ कर ले झटक ले उसलिए कि वही नहीं जानता कि कौन सी चीज़ उसके बाद उसकी जगह पर आ गई है ये पहली सुन्नत है नाजनी से जान लेना चाहिए कि बिस्तर पर जाने से पहले बिस्तर को एक मरतबा हम साफ कर लें इसलिए कि इसमें हमारे जिसम की हिफाज़त है और हम दुआ पढ़ते हैं हमारे रूह की और हमारी इबादत की हिफाजत है इसका अहतमाम करना चाहिए कि बिस्तर को हम साफ़ कर लें झटक लें इस सुन्नत से लोग मुतव नहीं हो पाते और बसा अवत इस पर नाल करने के सब कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि सोने वालों की जान भी चली गई है कैसी जहरीले और मूसी जानवर ख़ास तौर पर वो लोग जो जंगलात और बयाबानों में देहातों में खरीओ में रहते हैं अतराफ दरख्त हैं पौधे हैं उनके ना तो की वजह से इस सुन्नत पे ना अमल करने के सबब उनके बिस्तर पर रिश्ते के रसूल कहते हैं तीन मरतबा झाड़ लो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाद कौन वहाँ पर है क्या चीज़ वहाँ पर हम नहीं जानते लिहाजा इस पर अमल कर लें और ये दुआ पढ़ें बस्मी का रबी वजी वबी का रफ़ा फ़ैन अमसकनफसी फ़रहम वन अरसल तहा फा बीमा तहफ़ बी क्या दुआ हम पढ़ना क्या पढ़ना चाहिए अय मेरे रब मैं अपने पहलू को तेरे तेरे नाम से रखता हूँ और तेरे नाम से भी ते ही मैं उठता हूँ जगता हूँ फ़ःिनम सक तनफ़सी फ़रहम अल्लाह अगर तूने मेरे नस को रोक लिया यानी अगर हम सोते हैं तो नींद हम नींद में हमारा रुख कब्ज़ कर ली जाती है इस पर हमारी गुफ्तु हो चुकी नाजरीन अल्लाह रुख कब्ज़ कर लेता है हम दुआ करते हैं फ़ैिनम सक तनफ़सी अल्लाह अगर तू रात में सोने के बाद अगर तू हमें दोबारा उठाएगा नहीं नींद से अगर हमारी मौत तो ने तय कर दी है इसी नींद में फरहम हा तो अपने पास तो रूह को रोक ले लेकिन रहम कर उस पर उस पर रहम फरमा व इन अरसल तहा अगर तूने हमारी मौत नहीं रखी है नींद में वो और सुबह हमें जागना है वापस व वा इन अरसल तहा फहफज हा तो अल्लाह जब तू वापस रूह को लौटा दे जिसम में तो उसकी हिफाजत कर बीमा तहफ़ुबीही इबाद का सालिहीन जिस तरीक़े से अल्लाह तो अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है ये हम दुआ करते हैं अल्लाह से तजन कराम कि अगर तूने हमारी रूह को रोकना है तो रहम फरमा और अगर तो लौटाता है तो अल्लाह उसकी हिफाज़त फरमा जैसे तो नेक बंदों की हिफाजत करता है ये बड़ी अदीम दुआ है अल्लाह तला से अल्तजा है ग्रिया वजारी है कि दोनों इम्कान हैं सोने वाले के नाजे करम इस दुआ से पता चलता है कि दोनों इम्कान हैं हर सोने वाला शख्स दोबारा से जागता नहीं है हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है कितने लोग हैं जो रात में सोते हैं और फिर कभी उन्हें उठाया नहीं जाता है फ़रिश्ते आकर के उन्हें सवाल के लिए उठाते हैं इसलिए अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह अगर तूने मौत को तय कर दिया उस पर रहम फरमा हम पर रहम फरमा अगर तूने जिंदा करना है लौटाना है रूह को तो उसके हिफाज़त कर जैसे तू अपने नेक बंदों की हिफाज़त करता है तो नाजरिन करम अल्ला से हम ये दुआ करते हैं और नाजरीन अब जब हम कहते हैं अल्लाह ताला तो हिफाजत फरमा तो उससे मुराद है शैतान के शर से दुनिया के फितनों से हमारे नफ्स के ख्वाहिशात से बुरे लोगों से उन सब से हमार हिफात फरमा ये इससे मुराद होता है उसके बाद नाजिन इक्राम सोने के सोते हुए ये दुआ भी पढ़ना चाहिए अल्लाक यो मतब आस अल्लाह तो अपने अजाब से हमें महफूज फरमा जब तो अपने बंदों को दोबारा कब्रों से उठाएगा ये रिवायत है नाजिन क्राम अबू दाऊद हदीस नंबर फाइ ज़ीरो फ़ोर फाइव के हम अला तला से यह दुआ करें अमुल मनीन हज़रत हफ् बिनतर अल्लाह रज़ील्ल्लानुमुमा कहती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सोने का इरादा करते तो आप अपने दाहने हाथ को अपने गाल के नीचे रख लेते थे और फिर आप ये कहते थे किमी आजाबका यो मतब आसो इबादत के अल्लाह तो हमें अपने अजाब से बचा जब तो अपने बंदों को कयामत के दिन अपने ख़बरों से खड़ा करेगा तो नाजन इक्राम ये दुआ है जिसका अहतमाम हमें करना चाहिए इसी के साथ नाज़रीन ये दुआ भी है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि हम इसका अहतमाम करें वो दुआ है नाजरीन अल्लाह मुबिसम का अमूत वाहिया मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और ज़िंदा होता हूँ किसी बुखारी हदीस नंबर सिक्स थ्री वन फोर और सुनन तिरमीजी में भी यह रिवायत मौजूद है थ्री फोर वन सेवन अल्लाह तेरे नाम से मैं मरता हूँ और तेरे नाम से मैं ज़िंदा होता हूँ ये मालूम होता है नाजरिन कराम के हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और ज़िक्र करके सोते हैं सो गए अल्लाह सुबहान अगर मुकद्दर किया है मौत हो गई आपकी मौत अल्लाह के नाम पर हुई कि आपने अल्लाह का नाम लिया था अल्लाह का जिक्र किया था आपकी मौत हुई आपका आखिरी अमल साल है लिहाजा अजकार जो रात के सोते वक्त हमें अजकार पढ़ने का अहतमाम करने का हुक्म दिया गया है अहतमाम करना चाहिए उसका एक बड़ा फ़ायदा है नाजरीन कि आप अगर सो गए और अल्लाह ने मुकदर किया कि उसी में मौत की है तो इंसान का आखिर अमल अमल सवाल होगा इन और वो ख़ातिमा बिलखैर माना जाएगा कि उस आदमी का ख़ातिमा अच्छा हुआ क्योंकि उसने आखिर में जो कहा वो अल्लाह का नाम है अल्लाह का जिक्र है उसकी अजमतों बढ़ाई है इसलिए मोमिन कहता है अल्लाह तेरे नाम से मरता भी हूँ और ज़िंदा भी होता हूँ और अगर उसने ज़िंदा किया अल्लाह ने हमें दोबारा उठा दिया तो हम उठे भी अल्लाह के नाम पर ही क्योंकि सोए थे उसी के नाम पर उठेंगे भी उसी के नाम पर और उठने के बाद अल्लाह का जिक्र हम करते हैं फिर हम नींद से जागने की दुआ भी पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है कि सोते हुए भी हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं और जागते हुए भी अल्लाह सुबहान तला का हम जिक्र करते हैं उसके बाद नाजन कराम सोते हुए एक अहम जिक्र है जिसका अहमाम करना चाहिए इसकी बड़ी फ़ीलत है बहुत मुफीद है हमारे लिए वह है सोने से पहले तैंतीस मरतबा सुबहान अल्ला तैंतीस मरतबा अल्हद और तो चौंतीस मरतबा अल्लाह अल 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 अकबर सुबहान अल्लाह थर्टी थ्री टाइम्स अल्हदल्ला थर्टी थ्री टाइम्स और अल्लाह अकबर थर्टी फ़ोर टाइम्स क्या फजीलत है इसकी अगर कोई सोने से पहले इसे पढ़ता है इस हवाले से रवायत जो है रिवायत आई है वो रिवायत है नाजिक्राम सही बुखारी हदीस नंबर थ्री सेवन जीरो फ़ाइव और सही मुस्लिम टू सेवन टू सेवन ये हदीस बड़ी अजीम हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखत जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला तहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं एक सवाल करने के लिए वो ये था कि उन्हें खादिम और ग़ुलाम की ज़रूरत है खिदमत करने के लिए मामला ये, ये था नाजी करम हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला तन ख़ुद घर के काम किया करती थी और बड़ी मेहनत से किया करती थी यहाँ तक के उनके हाथों में काम करने की वजह से नशानात पड़ गए थे चक्की पीसने की वजह से और मशक़े से पानी मुंतकिल करने की वजह से पानी भरकर लाने की वजह से और वो उसके सब शदीद तौर पे थकान महसूस कर रही थी उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वालिद हैं आपके आ कर के सवाल करने के लिए आई कि उन्हें ख़ादिम की ज़रूरत है तो उस वक्त अल्लाह के नबी घर में मौजूद नहीं थे तो उन हजरत आयशा रजील् तक को देखती हैं कि वो मौजूद हैं तो हज़रत रजील् तह से वो कहती हैं कि उन्हें खादिम की ज़रूरत है कहते हैं कि हज़रत रजील् तहा ने यह बात रसूल वसलम को बताई कि आपकी बेटी आई थी और उनको खादिम की ज़रूरत है खिदमत के लिए घर में कहते हैं हज़रतली रजील् रसूल सारे घर तशरीफ़ लाए इस हाल में कि हम अपने बिस्तरों पर थे नबी अक्रम सलील वसम आए और अल्लाह के नबी आलिस्तुसम बिस्तर पर बैठ गए और आपने उनको कहादल्कुम अला माह व मिन खादिम आपने कहा क्या मैं तुम्हें यह ना बताऊँ वो चीज़ ना बताऊँ जो तुम्हारे लिए खादिम से भी बेहतर है आप अपने दामाद और अपनी बेटी दोनों को आप ये तालीम दे रहे हैं उन्हीं के घर में उन्हीं के बिस्तर पर बैठ कर शफक्त और मोहब्बत की वजह से और आपका तोज़ो था कि आप तकबुर और जालिम बादशाहों के किसी भी तौर और तरीक़े से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो का तरीका और आपका नहज नहीं हुआ करता था कि आपका तरीक़ा तोज़ुक के साथ खैर के साथ और आपका आपका तरीक़ा रहमशत के साथ था आपने बिस्तर पर बैठ कर के अपनी बेटी और अपने दामाद को तालीम दी आपने कहा तुम्हें मैं बताऊँ खादिम से भी बेहतर चीज़ क्या है नौकर से बेहतर क्या है तुम्हारे लिए इधा अवय तुम इधा फराशी कुमा जब तुम अपने बिस्तर पर आ जाओ तो तैंतीस मरतबा कहो सुबहानल्ला तैंतीस मरतबा कहो अलहमदल्ला चौंतीस मरतबा कहो अल्लाह अकबर फ़ैन न फ़ैनऊैरल्लामिन ख़ादम ये तुम दोनों के लिए ख़ादम से भी बेहतर है तो जो ख़ातून जो मर्द अपने काम में थकावट परेशानी शिद्दत महसूस कर रहे हैं और उन्हें खादिम की ज़रूरत है जो उनका उनका ताउन करे उनके लिए आसानी पैदा करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया है अगर आप ये ज़िक्र का अहतमाम करते हैं अल्लाह ताला खादिम से बेहतर आपके साथ ये होगा कि वो खादिम से बेहतर है आपके लिए ये ज़िक्र आपके लिए खादिम से ये ख़दमत गुजार ग़ुलाम से बेहतर हो जाएगा इसीलिए अहलेम कहते हैं कि वो खातून जिन्हें घर में घरेलू काम काज में मशक्क़त और तो परेशानी होती है उन्हें चाहिए कि वो रसूल सलम के बताए हुए इस असकार का अहतमाम करें क्योंकि रसूल को ये पता चला कि आपकी बेटी कामों की वजह से बड़ी मशक्क़त महसूस कर रही हैं हाथों में छाले पड़ गए उनके आपको उस तकलीफ़ और उस मशक्क़त का एहसास था इलम था जब आपने सिखाया है तो फिर ये नाजिन कराम बहुत ही मुफीद चीज़ है लिहाजा जो ये चाहते हैं कि उनके लिए खादम से बेहतर कोई चीज़ हो तो फिर उन्हें चाहिए कि सोने से पहले इन असकार का अहमाम करें तो नाजिन इकराम उस जिक्र का अहतमाम करना चाहिए अहले इल ने कहा ख़ादिम से बेहतर है कि मतलब तो अल्लाह ताली इस ज़िक्र की वजह से आपको इतनी क़वत दे देगा कि वो क़ोत इनशाला आपको ख़ादिम से ख़िदमत गुजार गुज़ार ग़ुलाम से आपको बेनियाज कर देगी इन और आपको उसकी हाजत नहीं महसूस होगी ये अहल ने उस हवाले से ज़िक्र किया उसके बाद नाज्र जो दुआ साबित है सोने से पहले जिसका अहतमाम करना चाहिए वो दुआ है नाजरीन सह मुस्लिम की हदीस हदीस नंबर टू सवन, वन थ्री बड़ी अजीम दुआ दुणा है दुआ ये है अबू हुरदी अल्लाहसी हदीस मरवी है अल्लाह العرش वबल ربنا ورب كل شيء فالق हब्बी वनवा ومنزل तौरात वनजीली والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. بدي عظيم حديث أنا عزيزتني الله سبحانه وتعالى سيكهتيه اللهم رب السماوات السبع. अल्लाह जो सात आसमानों का रब है रब्बल अर्द और ज़मीन का रब है वबल अरशीम और अजीम अरश का रब है आप जानते हैं नाजरीन मखलूक़ात में सबसे बड़ी कोई मखलूक अल्लाह का अरश है इसलिए कि अल्लाह सुबहाना तआला उस पर मुस्तवी है उससे बड़ी कोई और मखलूक़ है ही नहीं बल्कि अल्लाह सुबहाना तरश के बारे में जो वस इस्तेमाल किया है वो अजीम का है यानी बहुत बड़ा बहुत अज़मत वाला रब नामिशई हमारे रब और हर चीज़ के रब अल्लाह तबारक वाली की हमद है अल्लाह की तोसीफ़ है कि तू हर चीज़ का रब है फ़ैलक हब्बी वनवा दाने को फाड़ने वाला अल्लाह सुबहाना ताल है अनाज को उगाने वाला अल्लाह सुबहाना तला है वही है अगर वह दाने को नहीं फाड़ता है तो फिर कोई अनाज नहीं है कोई सब्ज़ा नहीं है कोई दरख्त नहीं है आप तस्वुर कीजिए फ्याल व नवा दाने और बीज को फाड़ने वाला अगर इंसान के पास दाना है उन दानों को वो ज़मीन में दफना दें गेहूं के लिए चावल के लिए और रागी के लिए और जितने चाहे किस्म के अनवा और अकसाम के दरख्त हैं पौधे हैं फल तरकारियाँ हैं अगर उन दानों को अल्लाह नहीं फाड़ता है वो वहीं वो ज़मीन में रह कर के सूख जाते हैं तो सोचिए इंसानियत इंसानों का कोई ज़मीन पर बाकी रहने का तस्वर ही नहीं है जानवर कैसे ज़िंदा रहेंगे किस पर ज़िंदा रहेंगे क्या खाएँगे अल्लाह तबारक ताल कीम सिफत है कि वो दाने को फाड़ता है अगर दाने को वैसे ही छोड़ देगा वो ज़मीन में तो फिर कोई सब्ज़ा नहीं उगेगा इंसानों की जानवरों की ज़िंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता है तो नाजी कराम फ़ैल कल हब्बी वनवा मंज़िला तौरातुलंजील वालात के नाजिल करने वाले इंजील के नाजिल करने वाले फ़ुर् के नाजिल करने वाले फ़ुर्न मजीद का एक नाम है फुर्कान का तो मतलब वो जो हक व बातिल में फ़र्क करता है चूँकि मजीद सबसे बड़ा फुर्क़ान है इसे मजीद ने भी अला सुबह उुर्कान कहा नजलरक़ान अलाबली कनआलमी नज़ीरा कि ये फ़ुरक़ान है हकोबात फ़र्क करता है वही अल्लाह है जिसने तौरात इंजील फुर्कान को नाजिल किया पिछले टुकड़े में हम ये कहते हैं अल्लाह तो ही ज़मीन से अनाज उगाता है जिसमें हमारी ज़िंदगी की बकाा है और तूने तौरात इंजील कुरान को नाजिल किया है जिसमें हमारी आख़िरत की बका है कि इसी क़ुरान से हम कामयाब होंगे आख़िरत में भी और दुनिया में भी सदत हमको मिलेगी दोनों बातें अल्लाह से कहते कि हमारे दीन को भी बेहतर करने वाला तू ही है कि तूने कुरान को नाजिल किया तौरात इंजील को नाजिल किया हमसे पहले लोगों पर और तू ही हमारे दुनिया को बेहतर करने वाला है कि तूने ज़मीन से अनाज को उगाया है आऊ ज़ोबे का मिन शर कुल शयी अनतिदनाशियती हम हर चीज़ के शर से तेरी पनाह मांगते हैं अनता मिनासियती जिनके पेशानियों को तो पकड़ने वाला है क्या मतलब है कि वो सारी मखलूक़त तेरी कंट्रोल में हैं तेरी कुदरत और तेरी कहर के नीचे हैं और तेरी हुकूमत के अंडर हैं और तेरी और तेरी ताकत और तेरी कुदरत से वो बाहर नहीं है हर चीज़ के शर से अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं और ये कहते हैं क्यों अन आख़िर में नास हर चीज़ से पना तू ही दे सकता है क्योंकि हर एक पे कंट्रोल तेरा ही है तूने हर चीज़ को काबू में किया हुआ है अब जानते हैं नाजरीन ये भी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के साथ खास सिफत है कि दुनिया में हर चीज़ को कंट्रोल करने वाला सिर्फ़ अल्लाह है बाकी बादशाह भी अपने रियाया पे पूरा कंट्रोल नहीं रखता है बादशाह भी अपने रियाया की मौत और ज़िंदगी का कंट्रोल नहीं रखता है बल्कि रियाया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बादशाह के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और उसी के खिलाफ वो उधर जाते हैं लेकिन अल्लाह की ये सिफत है कि वो आदम बिना सती हर चीज़ उसके कंट्रोल में है कोई भी चीज़ उसकी कंट्रोल से बाहर नहीं और फिर हम अल्लाह सुबह सुबहान तारा से कहते हैं अंतल अवलफली क़ब्ल कशई अल्लाह तो ही अव्वल है तेरे से पहले कुछ नहीं है अल्लाह ताला हमेशा से है पहले है उससे पहले कुछ नहीं है व वन तखिर फ़लई सबाद कश और वाज होता है अल्लाह तो आखिर है तेरे बाद कोई चीज़ नहीं है आप सोचिए सारी मखलूक एक वक्त जब फना हो जाएगी सारे फ़रिश्ते फना हो जाएंगे इंसान फना हो जाएंगे रूह कब्ज़ करने वाला फ़रिश्ता भी फना हो जाएगा उसकी भी मौत हो जाएगी फिर कौन बाकी है तो ही आखिर है तेरे बाद कुछ नहीं है और फिर वन ताहिरफल सफ़ोक का शे अल्लाह तो वाहिर है तेरे तुझसे ऊपर कोई नहीं है अल्लाह सुबहान तला बुलंद है इतना बुलंद है अल्लाह के ऊपर कोई चीज़ नहीं है सारी मखलूक़ात अर्श के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं उसके ऊपर अल्लाह के ज़ात है उसके ऊपर क्या चीज़ हो सकती है अल्लाह ताला ही है तो ज़ाहिर है कि तुझसे ऊपर कुछ नहीं है वन तलबाव त फलई सदून का शई और तू ही बातिन है और तुझ से कोई भी चीज़ छुपी हुई और पोशिदा नहीं है ये अजीम दुआ है नाजिन कराम सोने से पहले हम करते हैं जो तोद और अल्लाह की अजमत व जलाल और अवसाफ़ कमाल से बहुत बहरावर और मुतसफ़ है और आखिर में हम दो चीज़ें अल्लाह से मांगते हैं ये सारी चीज़ें अल्लाह के तोसीफ़ अल्लाह की, तोसीफ, अल्ला की बड़ाई और बुजर्गी है अपने लिए दो चीज़ें हम मांगते हैं आखिर में इतनी तारीफ़ करते हुए अल्लाह की अजमत के बाद इकदानन्दीन अल्लाह हमारे कर्ज़ को अदा कर दे नाजरीन कर्ज़ ये बहुत बड़ा बोझ है कर्ज़ एक मुसीबत है कर्ज एक परेशानी और ज़िम्मेदारी है कर्ज़ की बड़ी संगीन है किताब व सुन्नत में जो शख्स कर्ज़दार होता है उसकी मफ़िरत नहीं की जाती है जब तक कि कर्ज की अदायगी ना हो जाए कि शहीद ही क्यों ना हो लिहाजा आसानी से कर्ज नहीं लेना चाहिए जहाँ आदमी को शदीद हाजत हो और उसके बगैर कोई रास्ता ना हो तभी कर्ज़ ले वरना उसकी दुनिया में भी परेशानी है कि वो सुकून और चैन से नहीं जी पाएगा और उसकी सारी इबादत पे उसका असर होगा और लोगों से वो खौफ महसूस करेगा डर डर महसूस करेगा झिझक महसूस करेगा और साथ ही साथ आखिरत के लिए भी ख़तरा है कि अगर वो इंतकाल कर गया और वारिसिन ने उसका हक अदा नहीं किया और उसका ख्याल नहीं किया तो ये मुअल्लक हो जाएगा इसकी रूह जा जन्नत में जाने से रोक दी जाएगी लिहाजा कर्ज़ एक मुसीबत है इससे अल्लाह के पनाह मांगना चाहिए शरीयत में कई ऐसी दुआएं हैं जहां पर मोमिन अल्लाह से कर्ज से पनाह मांगता है इसमें हम कहते हैं अल्लाह हमारे कर्ज को अदा कर दे लेकिन बाज़ अलम ने कहा कि यहाँ कर्ज से मर दोनों तरह का अल्लाह का हक और बंदे का हक़ अल्लाह तेरा हक भी कोई मेरे जिम्मे बाकी रहेगा उसको भी अदा करने की तौफीक तो दे कसम खाए कसम का फार अदा नहीं किया फ़राइज उसके ऊपर बाकी है फ़राइज़ को अदा नहीं किया जक़ात बाकी है ज़कात को अदा नहीं किया अल्लाह जो तेरे हकूक़ से मुतक चीज़ें मेरे ऊपर बाकी रह गई कर्ज हैं उसको भी अदा करने की तोफ़ी अदा फरमा क्योंकि अल्लाह तबारक व तला की फ़राइज को जो हमारे ज़िम्मे बंद जाते उन्हें अदा करना होता वो भी कर्ज़ ही है और जो लोगों से हमने कर्ज़ लिया है उसे भी पना कि अल्लाह ताली वो भी अदा करने की तोफ़ी अदा फरमा इकद अनदीन अल्ला हमसे कर्ज को अदा फरमा वह अग़नी नामफ़्र और अल्लाह फकीरी से हमारी हमें बेनियास कर दे फकीर बनने से हमें बचा ले परहेज़ हम बच जाएँ फक्र से क्यों क्योंकि नाजन इक्राम कहते हैं कि फकीर होने से इंसान कर्ज़ की तरफ भी जाता है ज़िल्लत की तरफ भी जाता है और बहुत सारे अमूर की तरफ चला जाता है इसलिए मोबिन को कभी अल्लाह से फ़ीरी मांगना नहीं चाहिए बल्कि फ़कीरी से पनाह तलब करना चाहिए इससे पहले भी आई तशद में हम अल्लाह सुबहान ताली से कुफ्र और फ़्र से पनाह मांगते हैं का काफिर होने से और फ़कीरी से वो फ़कीरी माल की तंगी के इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरा कर पा रहा है खाने पीने लिबास और और दीगर जिम्मेदारियाँ नहीं अदा कर पा रहा है इंसान अल्लाह की पनाह मांगे कि अल्लाह तो हमें फ़कीरी से बेनियाज कर दे क्योंकि फ़कीरी इंसान को कई चीज़ों की तरफ ले जाती है लिहाजा नाज़रीन इस दुआ का अहमाम करना चाहिए सोने से पहले उसके बाद नाजिन इक्राम एक दुआ है जिसे सोने से पहले पढ़ना चाहिए वह दुआ है सही मुस्लिम हदीस नंबर टू सेवन वन फाइव अलहमदना सक़ान व्या मतलब है हर क़सम की तारीफ़ अल्लाह तबार के लिए है जिसने हमें खिलाया और सकाना और हमें पिलाया कफाना और काफ़ी हो गया व आवाना और हमें ठिकाना दिया फ़कम मूवी कि कितने ऐसे हैं कि जिनका ना कोई किफ़ायत करने वाला है ना ठिकाना है ना जिन इकराम ये दुआ ये ज़िक्र इसका अहमाम सोने से पहले करना चाहिए इसमें अल्लाह की बड़ी बेहतरीन हमद है हम कहते हैं अल्लाह तूने तेरी लिए तारीफ़ है हमें खिलाया पिलाया और हमें तूने किफ़ायत कर लिया हर चीज़ से बेनियास कर दिया और हमें पनाह दी पनाह दी का क्या मतलब है कि अल्लाह तूने हमें एक ऐसा घर दिया एक ऐसा बिस्तर दिया जहाँ पर हम रात की थकान दूर करने के लिए आकर लेट सकते हैं और आगे हम कहते हैं अल्लाह कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है अल्लाह तूने हमें जानवरों की तरह नहीं रखा जो पूरी ज़मीन में फैल जाते हैं रात आती है तो उनका कोई ठिकाना नहीं है कि उन्हें कहाँ रात गुजारनी है ठंड से कैसे बचेंगे बारिश से कैसे बचेंगे अल्लाह तूने हमें ठिकाना दिया और ये नवबर रहा ने कहा तूने हमें पनाह दी हम पर रहम किया ये घर चार दीवारी हमें दी जहाँ पर हम रात गुजार सकते हैं खा कर पी कर इतमान से सो सकते हैं ये अल्लाह के हम बयान करते हैं नाजिन इकराम नज़िर इक्राम आज की इस मुलाकात में हमने अजकार और दुआओं से मुतक़ पाँच बड़े ही अहम क़वायद को जाना तफसील के साथ और हमने सोने से पहले जिन दुआओं और अजकार का हमें अहतमाम करना चाहिए उन्हें भी जाना और अब बाकी अजकार भी हैं जो आने वाले दरस में इन आएंगे आएँगे और दीगर अजकार भी उसके बाद हम सीखेंगे बेज़न ला तला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान तैाली जो कुछ हमने इसमें सीखा है उस पर अमल के पैरा होने की तोफ़ी अदा फरमाए और अल्लाह सुबहान तआला हमें उन लोगों में से बनाए जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करते हैं हादा वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू